नहीं मतलब हद होती है यार, हद होती है इस तरीके के, अगर यू नो बातें आएंगी सामने इस तरीके की, अगर चीजें आएंगी फिर उसके बाद इनके फैंस कहते हैं कि आप उसी को ही क्यों टारगेट करते हो। मैं राहुल बोस, स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों बात करते हैं यहां पर किसकी, बात करते हैं राहुल वैद्य की। अब भाई चलो, ये जो मिसोजिनी वाला कमेंट आया था ये तो भाई लेट इट बी हो गया। हमने राहुल का एक अलग तरीके का चेहरा देखा जो कि वन लाइनर से भरा हुआ था, जो कि बहुत ज्यादा फनी था, हिलेरियस था। लेकिन कोई इंसान अपनी प्रवृत्ति कैसे चेंज कर सकता है फॉर अ सेकेंड ऑफ टाइम। यहां पर आपको एक ऐसा इंसिडेंट बताना चाहता हूं दोस्तों जो कि लिटरली लिटरली मतलब राहुल वैद्य, आई यू आउट ऑफ योर माइंड, मैं ये कहना चाहता हूं इस बात को लेकर। सुनिए ध्यान से क्या हुआ है माजरा। हम सबको पता है दोस्तों कि बिग बॉस के घर में एक टास्क आया है जिसकी डिटेल्स हम आज, मैंने आपको कल ही बता दी थी, कल ही चला था वो टास्क, बट आज जो है उसका प्रसारण होगा, आज और कल प्रसारण होगा। कैप्टेंसी टास्क है जो कि रद्द हो गया है। बट यहां पर सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि टीम ए और टीम बी बनी थी। मान लीजिए टीम ए में रुबीना, अभिनव, अर्शी ये लोग थे, टीम बी में राखी, राहुल वैद्य, एलिगोनी, इजाज ये लोग थे, राइट। अब दोस्तों क्या हुआ है सुनिएगा ध्यान से। अब विकास गुप्ता जो कि रुबीना दिलाय के लोगों की टीम में थे, इन्होंने कैमरा ही छुपा दिया। ये कैमरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं, ये कैमरा ही छुपा दिया और ये कैमरा छुपाने के लिए लोग जो है इधर उधर परेशान होकर घूमने लग गए। अब यहां पर दोस्तों क्या होता है मैं आपको बता दूं, तो कैमरा जब ढूंढ रहे होते हैं तो जो चेंजिंग रूम है वहां पर जाकर ढूंढ रहा है राहुल वैद्य और ये इजाज खान, ठीक है। अब राहुल वैद्य दोस्तों यहां पर रुबीना के जो कपड़े हैं, जो बॉक्स है और जो कार्टन है और जो भी रुबीना के जो स्टफ है उसमें हाथ डाल के ढूंढ रहा है, एकदम एकदम बुरा बुरी तरीके से हाथ डाल रहा है। जिस पर एजाज भाई कह रहे हैं नहीं नहीं इतना डीप मत जा, यहाँ पे रुबीना के रिस्क में नहीं होगा, वो यहाँ पे साफ बोल रहे हैं। बट राहुल वैद्य ने पता है क्या कहा, अरे सामान को ही तो हाथ लगा रहा हूं, कौन सी उनकी बॉडी के अंदर हाथ डाल रहा हूं। मतलब लाइक सीरियसली, इस तरीके की सोच है आपकी, इस तरीके के लोग आपको फॉलो करेंगे, इस तरीके से लोग फिर कहते हैं कि राहुल भोज तो राहुल वैद्य के पीछे पड़ा रहता है। भाई जब आप ऐसी हरकत करेंगे आप यहां पर इस, चलो ये तो एडिट हो जाएगा, ये एडिट हो जाएगा, ये जो 10:30 वाला जो स्लॉट है, 10:30 to 12 वाला, इसमें नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन लाइव फुटेज में इंसान की असलियत पता चलती है। और ये है असलियत, ये है असलियत दोस्तों, क्योंकि जिस हिसाब से आप ये कमेंट पास कर रहे हैं, अरे उसकी बॉडी के अंदर थोड़ी ना हाथ डाल रहा हूं, व्हाट इज दैट मीन, इसका मतलब क्या है, क्या आप कहना क्या चाहते हैं। सो यस दोस्तों, इस तरीके से चीजें हुई हैं घर के अंदर एंड मेरा काम है आप लोगों को बताना। अब इस पर भी अगर कुछ लोगों का ये सवाल आता है कि उसका क्यों, उसके पीछे क्यों, तो भैया आपकी सोच क्या है, कहां से शुरू होती है, कहां तक खत्म होती है, हम इजिली गेस कर सकते हैं एंड क्यों यहां पर कौन डिजर्विंग वन है ये भी पता चलता है और कौन जेंटलमैन है ये भी पता चलता है। कमेंट सेक्शन में जाएं, मुझे जरूर बताएं। चलता हूं, अपना ख्याल रखें।